नमस्कार, जय श्री कृष्ण मित्रों। जी हाँ, आपने सही पढ़ा भक्तों, वृंदावन घूमने मत जाना, क्योंकि वृंदावन घूमने या सैर सपाटे की जगह ही नहीं है। वृंदावन तो दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे ठाकुर जी का नित्य निवास है। आज भी वहाँ रोज राज लीला होती है, आज भी भक्तों को किसी न किसी रूप में कन्हैया दर्शन देते हैं। ब्रज भूमि की गली गली और कण कण में हमारे कन्हैया की लीलाओं की कहानी बसती है। मैं आपको विस्तार से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मुख्य मुख्य स्थान के बारे में बताती हूँ। तो चलिए, मैं हूँ करिश्मा पेशवानी, साथ में करते हैं वृंदावन धाम के दर्शन। तो चलिए, हम यात्रा अपनी शुरू करते हैं मथुरा से। मथुरा जो हमारे कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्म स्थली है, यहाँ से आरम्भ करते हैं। मथुरा में हमारे कन्हैया जी का जन्म हुआ था और यहाँ ठाकुर जी का भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर दर्शन करने योग्य मंदिर है। यहाँ वो कोठरी भी है जहाँ पे भगवान का अवतरण हुआ था, और बहुत सारे मंदिर भी हैं मथुरा में। द्वारकाधीश का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। मथुरा से केवल 10 किलोमीटर दूर है वृंदावन धाम, जिसकी हम आज बात करेंगे। और वृंदावन धाम में सबसे पहले जो दर्शन करते हैं हम कृष्ण भक्त, बांके बिहारी जी के मंदिर की, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे संताप दूर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ की कथा और चमत्कार आपको दूसरी बार बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे भक्तों की नजर बचाने के लिए ठाकुर जी को बार बार पर्दा लगाया जाता है। वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद हम गली से निकलते हैं, तो आपको जगह जगह बहुत सारे मंदिर और उससे जुड़ी हुई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। वहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, गोपेश्वर मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, प्रेम मंदिर, वैष्णव देवी मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, सखी मंदिर, रंग जी का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जो अलग अलग बहुत ही सुंदर है। प्रेम मंदिर में रात को जो सजावट होती है वो अवश्य दर्शन योग्य है। और वृंदावन में जो दूसरी चीज है, यहाँ के वन, यहाँ पे कुल टोटल 11 वन है। कालिया वन, गोपाल वन, निकुंज वन, निधि वन। निधि वन में आज भी बांके बिहारी लाल जी रासलीला करते हैं, इसके दर्शन के बिना कोई भी नहीं लौटता। निधि वन की स्टोरी मैं आपको अगली बार दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और जो तीसरी चीज है वृंदावन में दर्शन योग, यहाँ के घाट, भगवान की लीलाओं के घाट, काली घाट है, सेवा घाट है, वराह घाट है, चीर घाट है, और राधा रमन रेती है, जहाँ पे लोग लोट पोट होते हैं उस भूमि पे, उस रज में जहाँ भगवान के चरण पड़े थे। इसके बाद दोस्तों, वृंदावन के बाद हम चलते हैं बरसाना, राधा रानी जी के नगर, जो मथुरा से 25 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक गांव है। 350 सीढ़ियां चढ़ते हैं, राधा रानी जी का भव्य मंदिर आता है, जिसका विशाल प्रांगण है, जहाँ पे चारों तरफ आपको राधे राधे नाम की गूंज सुनाई देती है। यहाँ दूसरी पहाड़ी पे स्थित मान मंदिर भी दूर से देखा जा सकता है। इसकी बरसाने की भी एक अलग महिमा है, अलग कहानी है, जो मैं आपको अगली। मित्रों, बरसाना जाते वक्त, जब सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, आपको पहाड़ी पर छोटे छोटे कई मंदिर मिल जाएंगे, और आप सचमुच में भगवान की कहानियों में विश्वास रखते हैं और उनको सुनना चाहते हैं, तो आप किसी भी मंदिर के किसी भी पुजारी से बात करिए, वो आपको बहुत अच्छे से उस मंदिर की महिमा बताएंगे। यहाँ पे एक मयूर कुटी भी मंदिर है, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने राधा जी को मनाने के लिए मयूर रूप में नृत्य किया था। तो अगर आपके पास समय है और आपको दिलचस्पी है, तो आप इन मंदिरों में जरूर जाएं, जरूर बैठें, सुने उनकी कथाएं, आपको सचमुच बहुत आनंद आएगा। इसके बाद है ब्रज 84 कोस। कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा को चार धाम कराने के लिए कन्हैया जी ने यहीं पे चारों धाम बुला लिए थे, जो 84 कोस में है। इसकी भी एक अलग कहानी है। अगर आप लोग ये सब अलग अलग कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत, जहां पर 12 महीने और 24 घंटे आपको लोग परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। गोवर्धन पर्वत की तो सबको ही कथा पता है, दान घाटी और हरिदेव का मंदिर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे कुंड है, जिसमें राधा श्याम सुंदर कुंड के दर्शन सभी करते हैं। बहुत सारे सरोवर भी हैं।
इसके बगल में ही नंद गांव है बरसाना के पास, जो नंदेश्वर पहाड़ी पर है। गोकुल के बाद नंद जी यहाँ आकर बस गए थे, इसीलिए इसका नाम नंदगांव पड़ा है। मथुरा से 60 किलोमीटर दूर पर ही कोकिला वन है। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो आपको रास्ते में कोकिला वन जरूर पड़ेगा, तो मित्रों इसके दर्शन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव जी का मंदिर है कहते हैं।